Okay, I guess we are live, right? Can you guys see me? Uh, I hope so. I don't see anything. No. Uh, can someone type something, maybe, so I know that we are live? Hello, Alicia. Hi. Oh, Alicia. Okay well welcome guys uh, thank you so much uh, for joining me today uh, today is not about my music okay uh, today is about music in general uh, general right um, it's actually music of bollywood we, i'm gonna play some old songs on this little thing that i just bought you know i have at home right i have piano oh by the way Uh, this conversation will be in English, Hindi, Punjabi, Urdu. Okay, जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं बोलेगा ठीक <laughs> तो या, ये मैंने अभी अभी खरीदा ये आ, पचास डॉलर का है आप जिनको नहीं पता मैं यूएस में रहता हूं वर्जीनिया में आ, तो ये पचास डॉलर का है तो मेरे ख्याल से इंडिया में करीब आ, दो तीन हजार के आसपास आपको अच्छा वाला मिल सकता है हाय संगीता इकाशा, हेलो, सम हाय ओके, सो या तो ये छोटी सी चीज है पर बहुत प्यारी चीज है और uh, मेरे को एक्चुअली अफसोस है कि मेरे पास अब तक नहीं था ये क्योंकि मेरे पास पियानो भी है और uh, दो तीन कीबोर्ड हैं। और एक्चुअली uh, मेरा स्टूडियो में भी कीबोर्ड है तो मैं उनको इतना नहीं बजा स्टूडियो वाला कीबोर्ड बजाता हूँ पर पियानो और दूसरे महंगे कीबोर्ड मैं उतने नहीं बजाता पर ये छोटी सी चीज जो मैं जो अभी अभी आई और मैं उसको बहुत बजाता हूँ बहुत अच्छा बजता भी है आ, तो उस आ, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये कितनी कितनी प्यारी चीज है और आ, अगर आपका आपके पास आ, कोई रिक्वेस्ट हो तो बताना मेरे को आ, मैं कोशिश करूंगा कि बजाऊंगा अच्छा ऐसा नहीं कि मुझे हर गाना आता है ना तो अगर नहीं आता तो मैं नहीं बजाऊंगा पर हो सकता है कि अगली बार अगर हम मिलें तो फिर बजाऊं ठीक तो लस्सी तो अभी तक तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है मेरे पास तो इसको बोलते हैं मेलोडिका ठीक छोटा सा कीबोर्ड है इसमें आप ऐसे हवा हवा डालते हैं जैसे माउथ ऑर्गन होता है ना उसी टाइप से बसता है तो आ, जैसे मैं आपको एक आ, वो छोटा सा गाना बताता हूँ तो ये तो मैं ऐसे ही बजा रहा था कोई गाना अभी दिमाग में आया नहीं आम, अच्छा अलीशा ने बोला है कि तुमसे मिलके तुमसे मिलके दिल का है क्या हाल वो नहीं ना और ये वो वाला तुमसे मिलके हाथी बोला ओके मैं उसकी कोशिश करता हूँ ठीक है मैंने बजाया नहीं अभी सो समथिंग लाइक दैट मेरे पास बहुत से गाने हैं बहुत से गाने हैं अह क्रिश्चियन हे मैन हाउ आर या दैट सो कूल um होप एवरीथिंग इज गुड ब्रदर ओके एंड आई हैवंट सीन सनी येट बट से हेलो टू हिम फॉर मी ओके अह तो या yeah, बॉलीवुड के बहुत गाने आप लोगों ने मेरे को एक एक दो दो, दो भेजे हैं जैसे तो मैं अभी बजाऊंगा है ना पर आ, लिस्ट इतनी लंबी मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं जो मेरी अपनी एक लिस्ट है एक नहीं है वो पेजों में है बहुत ढेर सारे पेजेस हैं जैसे एक ये पेज है शायद उल्टा है एक ये पेज है है ना और एक्चुअली और थोड़े मुझे मेरे, मेरे लगता है थोड़े गुम हो गए हैं आ, अच्छा अभी मेरे को दो ही मिले ओ, एक ये भी है इधर वाला भी है ना तो बहुत से गाने हैं जो आ, मैं जो मुझे बजाने अच्छे लगते हैं और मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था जो मेरी वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री है आज मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा और आ, बल्कि मैं आपको दे रहा हूं ये मेरी बुक है जो मैंने आ, दो सौ शायद पांच में लिखी थी मेरे को ध्यान नहीं है बॉलीवुड पियानो हाँ तो इसकी जो इसका जो पी है ना वो मेरी वेबसाइट राजन शाह म्यूजिक पे फ्री में है ठीक है आप डाउनलोड कर लें मैं इसका एक्चुअली वीडियो बनाऊंगा इसके इसके इंट्रोडक्शन का बहुत अच्छी बुक है आम, मैंने एक्चुअली एमेजोन पे बेची भी है ये करीब अट्ठारह डॉलर की थी विथ शिपिंग ओके अब तो फ्री में पीडीएफ में है और आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है आपके डिवाइस में रहता है तो जैसे कोई पैड वगैरह है उसमें आ जाएगा है ना तो जो भी गाना प्रैक्टिस करना है अगर आप आधे घंटे भी बजाएंगे ठीक हफ्ते में आधा घंटा तो आपको एक साल में गारंटीड इतना म्यूजिक आ जाएगा कि आप अब कम से कम अपने आप को एंटरटेन कर सकें है नीरज हवार या बारी सोनी क्या हाल है भाई प्लीज प्ले यही वो जगह है मैन आई लव सॉन्ग हाँ अभी अभी देखता देख हा um, तो ये ये बुक मैं बता रहा था आपको uh, इसका इसको कवर करेंगे मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा उसके इंट्रोडक्शन का और इस ये इतनी आसान है जैसे एक्चुअली इस पर लिखा भी हुआ है कि फाइनली रीडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड प्लोइंग्री You know, really, that's actually those are the notes um, on piano keyboard. Um, if you have a keyboard like that, right? So you have C, D, E, F, G, A, B, C. So you know C to C. So uh, yeah, and one two three is actually one two three four, which is the beat, right? Most of the beats are one two three four, one two three four. Okay, and and or also one two three, depending upon what you're playing, right? ऐसा नहीं की मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ है ना अपने एंटरटेन के लिए बजाता हूँ और मेरे को मैं एक्चुअली इस बाजे को काफी दिनों से बजा रहा हूँ पिछले छह सात दिन से यही बज रहा है घर में और संगीता भी कहती है तो बजा कि अच्छा लग रहा है मेरे को कोई बात नहीं मतलब वो तंग नहीं होती है है ना और ऐसे नहीं कि मैं तो फिर ऐसे बताता आधे तो एक घंटे बजा दिया ऐसे करके तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं ठीक बजाऊं पर अगर गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है ना यार दोस्त बजा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है ना तो मैं शुरू करता हूं अच्छा ये है दिस सॉन्ग इज फ्रॉम एफ माइनर तो आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए कौन सा गाना बजा रहा हूं ठीक है uh, अभी पता नहीं यहां पे आस है कि नहीं आस ये आपके लिए है अच्छा उम्मीद है आपको पसंद आएगा किसी ने गैस किया हाँ हाँ सोनी ने बोला तेरा जाना क्या बात है क्या बात है आपको तो समझ में आ गया वेरी गुड तो मैं मतलब मैं ठीक बजा रहा था इसका मतलब ना ज्यादा खराब नहीं हुआ आ, हाँ जी ये वही गाना था अब मैं एक और गाना बजाता हूँ आपके लिए अच्छा ये है थिंग लाइक दैट किसी ने बताया हाय वंदना हाउ आर यू प्रति भैया के हालचाल हैं एंजॉयिंग दिस म्यूजिकल मॉर्निंग या थैंक यू ये चांद खिला अरे एकाशा आपको तो सारे पुराने गाने आते हैं आप इतनी ओल्ड तो हो नहीं uh, आपको कैसे गाने आते हैं ये वाले क्रिश्चियन लव द इंस्ट्रूमेंट एंड यू आर अमेजिंग विद थैंक यू क्रिश्चियन बरी वंदना सेड हाय अलीशा ओके क्रिश्चन फ्लोरसॉप ओ आई सी आई सी ओ सनी आई सी ओ मैन अरे यार सनी सॉरी यारोचा आप अपने उसपे अकाउंट से नीरज थैंक यू यार थैंक यू हाँ ये चांद खिला वेरी गुड यान इज मामू या यार आई गारे आई गे ओके ये एक और गाना आपके लिए बताता हूँ पुराना है तो ये वाला कौन सा था नीरज कह रहे हैं जीना इस, क्या बात है सर आपको कैसे पता आप तो मेरे ऐसे पुराने नहीं हो ना जीना इसी के नाम है वेरी गुड किसी की पे हो कितना कितना बढ़िया कितना अच्छा लिखा लिखा है है जिसने भी लिखा है। मैं कभी भी सोचता हूँ यार मैं इतना अच्छा लिख पाता तो क्या बात होती है ना किसी की मुस्कुराहटों पर हो फिदा क्या बात है आह मजा आ गया रूह खुश हो जाए ऐसा गाना होना चाहिए है ना ये क्या आजकल के गाने बन रहे हैं लाइक का बटन अबे यार कोई धांसू सा गाना बजाओ है ना कोई अच्छा सा गाना बजाओ ओ oh, मैं आपको बताऊं स्पीकिंग ऑफ लाइक का वर्डन है दिस इज माय कोविड नाइनटीन स्टाइल क्रेजी हाँ अगर किसी को रेफरेंस नहीं पता तो uh, मैं बता रहा हूँ ये मेरा गाना था लॉक लॉकडाउन है ना लॉकडाउन करके जो गाना था उसमें द ओके तो ये एक और गाना बजाता हूँ मैं आपके लिए ठीक है फिर मैं एक क्विज करूंगा आपसे ओके okay, तो ये गाना है हाँ नहीं नहीं आप बताएंगे मेरे को कौन सा गाना है ठीक है ये किसी ने गैस किया वाह प्रदीप सिंह कहते हैं वाह थैंक यू सर थैंक यू आ, मिस वंशिका से हम हेलो वंशिका के हालचाल हैं दिल की कलम से दिल की कलम दे एक्चुअली दिल, दिल की, की नजर से है ना गाना है दिल की अरे मेरे ख्याल से दाना दिल की नजर से नहीं है दिल की कलम से दिल की कलम से नज़रों की दिल से दिल से अरे मैंने गलत बोला यार सॉरी थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी ये सारी रिक्वेस्ट आई हुई है अरे धूम सॉन्ग फ्रॉम द बुक ओह धूम मचाले धूम मचाले ओके okay. उसका मैं उसको मैं इंट्रो बजा देता हूं आपके लिए ठीक है लग जा गले हाँ हाँ लग गले तो एक्चुअली एक और भी रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे पास जो है मेरे पास आ, अच्छा तुमसे मिलके तो हो गया आ, तेरा जना दिल के भी हो गया है ओ आ, चलो मैं लग जा गले बजाता हूँ ठीक है अरे यार मुझे को बताना नहीं था ना आपको अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा आ, लग जा गले हाँ गले था जैसे मैंने पहले बता दिया आपको है बहुत कम है जो अच्छे लगते हैं जैसे मेरे को ऐसे गाने लगते है ना वो कौन सा है मैं तेन समझा हुआ की क्या क्या, क्या, क्या गाना है? जवाब नहीं जवाब नहीं वो भी अच्छा लगता है मेरे को राब तेरा मुझसे है राबता ऐसा करके एलन कह रहा है ग्रेट ताऊ जी थैंक यू एलन थैंक यू यार मैं उस दिन जब मैं टेस्ट कर रहा था तो एलन uh, ने मेरे को देखा सॉरी uh, यार मैं उस टाइम आपको पहचान नहीं पाया uh, पर अब मुझे मालूम है कि आप रॉली के बेटे हो हेलो uh, हमारी तरफ से uh, सोनी कह रही है लवली टू लिसन थैंक यू लग जा गले यस yes, प्रदीप जी बिल्कुल सही कहा लव यू सम नीरज

किसी को पता मैंने क्या बजाया किसी को नहीं पता अभी तक अच्छा मैं एक बार फिर बजाता हूँ देखते हैं आम, प्लीज प्ले क्या हुआ तेरा वादा मिस शोर, शोर, आम, हुआ, अच्छा आम, ओके पहले मैं ये बजाता हूँ <्थाँगा> धूम का कौन सा गाना था धूम चाले है ना <्थाँगा> थिंग लाइक दैट राइट इश इश करना है कर ले अह uh, जैसे आप को पता है मैं ज्यादा बजा बजाता नहीं ये वाला uh, पहली बार बजाया है एक्चुअली पहली बार मतलब बहुत दिनों के बाद है ना पहले तो हम बहुत बजाते थे माइंड ब्लोइंग मोहम्मद जी सानवीज किचन थैंक यू थैंक यू रोलन धूम मचाले मेरे भाई आ रोलन ये रोली भाई के आ यार um ये क्या है यूं ही तुम मुझसे बात किसी की तो मैंने बजा ना किसी की हाँ हाँ, हाँ हाँ मैं वो देखता हूँ मैं एक्चुअली आपसे एक क्विज करना मांग रहा था मैं आपसे एक क्विज करना मांग रहा था है ना मैंने आपके लिए अभी अभी पांच गाने बजाए मैं आपको याद दिलाता हूँ एक्चुअली आज ने जो मेरे से रिक्वेस्ट किया था गाना वो था तेरा जाना दिल के अरमानों का मैंने वो बजाया ठीक फिर मैंने बजाया वो चांद खिला वो तारे हंसे ठीक फिर मैंने बजाया किसी की मुस्कुराहटों पे होफीदा ठीक फिर मैंने एक बजाया दिल की नजर से ठीक और मैंने वो अवार का इंट्रो बजाया वो वो था, कुछ सीखा हमने न सीखी होश सॉन्ग राइट मुकेश जी क्या बात है क्या बात है कितनी कितना दर्द था यार उनकी आवाज में आजकल के मजा नहीं आ रहा है कुछ अच्छा सा गाना बनाना पड़ेगा मेरे को है ना अच्छा तो आ, मैं ये पूछना मांग रहा हूं कि आपको पता है वो पांच गाने किस मूवी के हैं जो पांच गाने अभी मैंने मेंशन किए वो एक मूवी के हैं और मैंने एक्चुअली आपको गानों में बता भी दिया कि वो गाना कौन सा है ठीक तो उस उन पांचों गानों का म्यूजिक कितने बढ़िया गाने पांच हो गए हो है ना आजकल की मूवी में एक गाना अच्छा बनता है मेरे ख्याल से आ, वो भी अगर वो भी अगर कोई रिमिक्स बनाया हो उन्होंने तो तो आ, वो जो म्यूजिक था वो था शंकर जयकिशन का हाँ प्रदीप भाई यार हाँ मैं बताता हूँ वो क्या हुआ था तो बहुत बढ़िया सॉन्ग है किसी की मुस्कुराट पर हो फिदा प्रदीप सिंह ने बोला वो जोकर अम्म वो एक्चुअली मूवी का नाम था अनाडी और उसमें शंकर जयकिशन साहब ने म्यूजिक दिया था उनकी जोड़ी ने और क्या बढ़िया यार बहुत पहले ना मेहनत करते थे वो लोग ऐसे नहीं कि किसी का म्यूजिक कॉपी कर लिया तो मैं आपको बताता कि मेरी ये कोशिश रहती है मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं कभी किसी का यू you नो know, म्यूजिक चोरी ना करूं क्योंकि मैं आर्टिस्टों की कदर बहुत करता हूं है ना जो बहुत अच्छा लिखते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं ना उनसे म्यूजिक वगैरह चुराना नहीं चाहिए बल्कि उनके म्यूजिक को बढ़ावा देना चाहिए यू नो आप शेयर करें ऐसा कुछ करना चाहिए है ना तो वो शंकर, शंकर जयकिशन साहब का म्यूजिक था अनाडी के पांच छह गाने सारे गाने सुपर है बहुत बढ़िया है ना वो जो लगजा, गले गाना था वो था मदन मोहन का म्यूजिक था उसमें वो वो कौन थी मूवी का गाना था बहुत बढ़िया गाना था मेरे पर रिक्वेस्ट काफी आ रही है मैं मैं कुछ कुछ कमेंट पढ़ता हूँ जरा हेलो रोली भैया प्लीज प्ले क्या हुआ तेरा चल मैं वही प्ले करता हूँ क्योंकि मैंने किसी की मुस्कुराहटों पर तो मैंने बजा दिया ना ऑलरेडी भैया आर लुकिंग योर न्यू थैंक यू अच्छा मैं भूल गया क्या कर रहा था मैं हाँ क्या हुआ तेरा रहता है मैं वो कोशिश करता हूँ ठीक है मैंने बजाया नहीं क्या बात है क्या लिखा है गाना है, क्या बजाया है आ, मेरे को ये पता है अभी मेरे को याद नहीं है ध्यान नहीं है किसने म्यूजिक दिया है पर बहुत प्यारा म्यूजिक है वर्ड भी काफी अच्छे हैं है ना और इसमें मैंने काफी गलतियां भी करी गाने में है ना तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बजाना चाहे वो गलत भी हो ना यार आप बजाओ है क्या नहीं किसी के लिए नहीं बजाओ अपने लिए बजाओ मैं अपने लिए बजा रहा हूं है ना आपको अच्छा लग रहा है मेरा मेरा नसीब के आपको अच्छा लग रहा है है ना आ, तो खाली अपने लिए बजाओ अच्छा बजाओ और पैशन से बजाओ चाहे गलत भी बजाओ है ना मैं गलत कितने कितने गलत लगाए मैंने इसमें है ना पर आपको गाना समझ में आ गया है ना तो चाहे गलत भी बजाओ आप बजाओ है ना या जो भी कर रहे हो आप जैसे गाते हो आप गाओ यार है ना दिल से गाओ है ना कि रूह खुश हो जाए आपकी अपनी और जब आपकी अपनी रूह खुश होगी तो जो आपका आर्ट देख रहा है सुन रहा है जो भी है है ना उसकी भी रूह खुश होगी पहले आप अपनी रूह खुश करो है ना आ, है ना हर गाने हर टाइप गाना चाहिए होता है है ना जैसे अभी एक्चुअली मैं बता रहा था कि वो आर्ट वगैरह है यू नो आप गाते हैं या आप आर्ट बनाते हैं या म्यूजिक करते हैं जो भी है दिल से करो है ना बढ़िया मजा आ जाए किसी की की जरूरत नहीं है शुरू शुरू में जो एक्चुअली हम लोग बजाता था ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ वो ये कि मैं मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाऊं कि मैं क्या बजा रहा हूँ क्योंकि मैं ये आपसे शेयर करना मांग रहा था एक्चुअली कि मेरे पांच मामा जी हैं दो ऊपर चले गए आ, मेरे को बहुत अफसोस है इस बात का आ, तो वो बहुत म्यूजिक में है है ना हमारे मेरे घर आते थे तो हमारे घर में वो टूटा फूटा हारमोनियम था ठीक है तो वो बजाते थे चले जाते थे आ, यार पांच मिनट और रह गए मेरे को बड़ा अफसोस है टाइम <laughs> इस आएगा ओके तो वो लोग आते थे और बजा के चले जाते थे और मेरे को इतना अच्छा लगता था मैं छोटा था, था, ना एक दो साल का दो तीन साल का ऐसे करके तो वो जब चले जाते थे तो मैं उनके पीछे जाके ना मैं मैं देखता था कि वो क्या कर रहे हैं तो वो जब चले जाते पीछे जाके बजाता था कोशिश करता था पहले पहले तो नहीं बजता था है ना पर वो हल्के हल्के मतलब पांच छ साल में ऐसा हुआ कि मेरे को पता चल गया कि आ, वो नोट कहाँ है कैसे बजाए है ना ऐसे करके तो मेरे को हल्के हल्के आ गया तो मेरा जो म्यूजिक जो सीखना है वो यही है एक्चुअली मैंने किसी से सीखा नहीं म्यूजिक मैंने सिर्फ देख के सीखा है ना किसी ने मेरे को बैठ के ये नहीं बताया कि भाई ये सा है ये रे है ये गा ये माँ ऐसे करके नहीं है ना पर मेरे को देख के आ गया और फिर नॉलेज के लिए तो मैंने फिर अपने आप को और सिखाया और यारों दोस्तों ने भी बहुत सिखाया बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए बहुत अहम हैं जैसे एक सिडनी भाई हैं मोजे साहब हैं जो गिटार दोनों बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं और मेरे हमारे चर्च में जिसको मैं पहले चर्च जो अटेंड करता था अब तो नहीं करता पॉल साहब हैं पॉल मदीना साहब आ, बहुत नॉलेजेबल हैं रसल वुल्सन था एक एक्चुअली रसो वुल्सन व्हाइट हाउस के लिए प्ले करते हैं अभी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आ, तो उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया ऐसे ऐसे करके मेरे को नॉलेज आई है और मैंने जो बुक लिखी है वो एक्चुअली फॉरवर्ड एक्चुअली वो चेक विल्सन द गाय प्लेज इन दर्ड हाउसोड बुक यू नो लर्न यू नो फ्री नॉलेज राइट रेशमा जी जीना यहाँ मरना यहाँ अरे मैंने वजह नहीं अभी तक Uh, वंदना you, वंदना म्यूजिकल थैंक 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 यू 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 नाइस हैव अ दिल आज आज शायर है गम यार मेरे को ये गाना अच्छे से आता नहीं है ग़ज़ल है सनम अच्छा पर मैं ये बताता हूँ रेशमा जी के लिए जीना यहाँ मरना यहाँ मेरे पास ना स्क्रिप्ट थी आई एम कम्प्लीटली ऑफ द स्क्रिप्टो नॉट एनी सॉन्ग सो जीना यहां मरना यहां. मेरे को ये गाना वैसे अच्छा भी लगता है क्योंकि इसमें एक अकॉर्डिंग का पीस है और ये एक्चुअली भरत जी ने भी रिक्वेस्ट की थी जीना यहां मरना यहाँ तो मैं इस इसको देखता हूं आ... एक्चुअली राज कपूर साहब ने यू नो ये अकॉर्डिंग पे गाना था जो पीस मैंने बजाया और दो तीन गानों में ये वाला पीस यूज भी हुआ है एक उसमें भी है मेरे ख्याल से दिल दिल की नजर से न, जो मैंने बजाया था पहले है ना तो और उसका भी है ये मेरा नाम जोकर में भी है ये गाना आ, तो अकॉर्डियन जो मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस किया था वो राज कपूर साहब ने इंडियन फिल्मों में लेके आते है हैं वो रशिया से से मेरे ख्याल हो सकता है मैं गलत भी हूं ऐसा नहीं है मैं कई बार अपनी बात नहीं। सोचता हूँ कि सही है ऐसा नहीं है कुछ अच्छा जी ने यहाँ मनाया वेरी गुड सर जी सम्मेन थैंक यू समेंथा थैंक यू रेशमा फॉर रेशमा एंड भारत uh, रेशमा क्या बात थैंक यू थैंक यू ऐसा नहीं कि आपको लाइक का बटन ही दबाना है, है ना आपके लिए कोई भी कोई काम करता है जैसे संगीता ने मेरे लिए एक पराठा बनाया है ना गोभी का है ना मैं गोभी के पराठे खाता नहीं गैस की वजह से एनीवेज तो इतने प्यार से उसने पराठा बनाया और मैंने खा लिया कुछ बोला नहीं अबे ये भी कोई बात है है ना हमें जीना जीना सीखो यार है ना उन उसको बोलो यार क्या बढ़िया बात है है ना आपके आपके लिए किसी ने खाना बनाया या कुछ करा आपके लिए आपको नहीं करना पड़ा है कि नहीं आपका टाइम बचा उसमें चाहे उस टाइम में चाहे आपने टीवी देखा या जो भी करा है ना और आपको स्वाद आया और पेट भी भरा थोड़ा सा है ना तो उसकी तारीफ करें थोड़ी सी लाइक का बटन का मतलब ये है है ना ऐसा नहीं कि लाइक का बटन ही प्रेस करना है ऐसा कुछ नहीं है है ना तो वो स्टेटमेंट है कि अप्रिशिएट करो दूसरों को है ना ये कहानी है अच्छा आम, आ, 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 संगीता Uh, let's see, Reshma, great way. Yeah, thank you, Rejma. Thank you. You you support me so much. Thank you. I appreciate that actually a lot. And I need the support, man. I'm telling you. You know, it's frustrating sometimes. You know, uh, to read the bad comments. Sometimes people write. You know, uh, sometimes people don't understand. You know uh, that you worked on a song for a month, man. You know, like a button. I'm telling <speaking> you, I worked on a song for a month. <Spanish> you know it was frustrating you know at the end it worked out but i'm saying that you know i have to work really hard you know at least four or five hours a day you know uh every day that is you know for a month so uh but you know it works out i'm happy you know and and i think it's time 11.31. right i don't want to take too much of your time uh बहुत गाने हैं यार बहुत गाने हैं है ना हमें फिर मिल, फिर मिलते हैं या यहाँ पे या, uh, 16 लोग हैं जो साइन हैं आई वॉन्ट एंड टू यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रॉम द बार ऑफ माई हार्ट फॉर सपोर्टिंग माई म्यूजिक गगन बोल रहा है वेरी वेल डन ब्रदर इन लॉ थैंक यू थैंक यू मैन अप्रिशिएट दैट तो फिर मिलेंगे ठीक है हम ऐसा करते हैं कि मेरे ख्याल से uh, तीन वीक में कोशिश करते हैं मिलने की आई वांट बिफोर आई लेट यू गो आई हैव वन थिंग टू शो यू यू राइट लेट्स सी सी आई डोंट नो इफ कैन दिस ये है एक तू ही उसका आर्टवर्क है ये फाइनल आर्टवर्क नहीं है uh, तो ये मेरा नया गाना आएगा मेरे ख्याल से होपफुली टू या थ्री वीक्स में दो या तीन वीक में हफ्ते में आ जाएगा ठीक है कोशिश करता हूं

uh new too you know uh anyways um quiz, uh, quiz oh what quiz they want you to do a quiz what quiz sir um quiz yaar acha mereko bolna abhi time ho gaya fir agli um all right bye thank you for joining um i truly truly appreciate you thank you for uh, supporting man uh, thank you for signing on. You know, it, it helps me. Thank you. All right. Bye.